तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल ही लेटेस्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं चुपके चुपके के एपिसोड 5 के ऊपर। ठीक है, आज हम एपिसोड 5 स्टार्ट करने वाले हैं। मैं ना उस सिचुएशन का इंतजार कर रहा हूँ जब उसने चोरी की थी, वो जो गेटअप लेकर आई थी, एक साधु का गेटअप लेकर आई थी। ठीक है, तो वो चोरी करके चली गई थी इनके घर से। अभी तक इन्हें फाजी के घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं चला है कि हमारे घर में चोरी हुई है। मैं उस मूमेंट का इंतजार कर रहा हूँ कि कब उन्हें पता चलेगा। शायद आज हम जो पार्ट हम आज देखने वाले हैं, क्या पता आज हमें पता चल जाए उस चीज के बारे में, हमें वो मूवमेंट देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। फिलहाल आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखो। और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ कि आज का हम जो पार्ट देखने वाले हैं आपको ये पार्ट कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रेगुलरली सुबह सुबह नई वीडियोज आ जाती है, उन सभी वीडियोज को देखने के लिए आप सभी लोगों का सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारा एक सेकंड चैनल भी है जिसपे हम म्यूजिक के रिलेटेड रिएक्शन और रिव्यू वीडियोस लेकर आते हैं आप सभी लोगों के लिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर आप लोग उस चैनल को भी चेकआउट जरूर कर लें। फिलहाल सभी बातों को हम यहीं पे छोड़ते हैं, इस एपिसोड पे चलते हैं, इसे देखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। आज चोरी के बारे में पता चल जाना चाहिए, जहरीली नजर के हिसार में आज ये चीज यार पता चल जानी चाहिए, वरना तो कैसे नजर हटेगी। असल में मैं आपकी पोती मनिया को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। ये भी बढ़िया है यार, ये एंगल जो बीच में आया ना। मनीहा सुनो, ये तुम जेब से निकाल के क्या खाती हुई जा रही हो? चीनी है, खाएंगी? अरे गंदी, हाथों जाके और जाके कपड़े चेंज कर अपने। अरे इसका क्या करूं, मेरे सर पे डाल दो, जाओ। अल्लाह मियां यहाँ फेंक के चले गई गली से, देखे ना तो वावेला मचा देगी, मुझे साफ करना पड़ेगा। क्या करती है, क्या कह रही है? क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बच्ची अभी पढ़ रही है ना, और उसके पेरेंट्स का दूर दूर तक उसकी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। जी एक दो मुलाकात करवा दें, इरादा। वाह वाह वाह, वैसे वो लोग रहते कहाँ पर है? ये जी ये सामने वाला घर जो है ना, ये नवाब विला है। ये पिटेगा, ये वाला नहीं, ये वाला, ये पिटेगा। अंदर से रास्ता चलता है, अगर आप कहते हैं आप दोनों को मैं लेके चला जाता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ये पिटेगा, ये पिटेगा। अरे आप ऐसे कैसे उनको बताए बगैर पहुँच जाएंगे, अजीब सा लगेगा। पापा ले जाए ना, आखिर फैसला तो उसके पेरेंट्स का ही होगा। अच्छा ठीक है, तो फिर अम्मा आप और फाजी तुम ले जाना, ठीक है? चलें फिर, चलते हैं। पापा कूल डाउन, चुप करो, मुझे ज्यादा पता है इस मामले के बारे में। एक मिनट पड़ी जाए, हाँ है ना, प्लीज प्लीज। ये इसी तरफ से है, यहाँ से दाएं हाथ। गाओ कद्दू, अपने पीछे देखो, पीछे। अरे अरे जाने में घुटने में चोट लग जाएगी। नहीं 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 नहीं, गेट वाली तरफ, गेट वाली तरफ। बाजी मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। तुम्हारी बाजी आज हारी हारी। बेटा बनाना मुश्किल ही ना मुमकिन है। अच्छा लो, हो गया रिश्ता इस नौटंकी का। इधर इधर इधर, शिकार पर ऐसे झपट्टा मार, पीछे पीछे तुम्हारे चील। पकड़ लिया, डक्कर पकड़ लिया तुम्हें। ये खुश हो रहे हैं क्या? वाजी उस्ताद जी, अरे किसका नाम ले लिया? मेरा। उस्ताद जी इनको अच्छी लग रही हो यार। मीनू ये क्या बदतमीजी है, अंदर चलो। वो आग मचोरी खेल रहे थे हम लोग तो। जाओ जाकर चची को बताओ कैसा है। कौन गेस्ट? जो कहा है ना वो जाकर बताओ। हुँ? ओ अच्छा, ओके चलो। इसका तो बचपना ही नहीं खत्म होता। अरे कोई बात नहीं, बच्चियां इस उम्र में ऐसे ही करती हैं। किसकी भी थोड़ी होती हैं। आइए अंदर आइए। बराबर में है नवाब विला, मैं ले चलता हूँ। मुझे पता था, मुझे पता नहीं पिटेगा। बहुत शौक है रिश्ते कराने का वैसे। और तुझे क्या शौक था उस कमबख्त को अंदर भेजने की? मुझे क्या पता था अंदर मीना बाजार लगा है रिश्तों का। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है लड़का, लाखों में सैलरी हो गई। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जिसमें इंटरेस्ट है वो बता दो। फजूल मत बोलो। आपा आप क्यों परेशान हो रही, क्या हो गया? गुल की नाक के नीचे गुल खिला के चली गई वो कमबख्त मीनू। सर दर्द हो गया मेरा। रूमी जाकर मेरे कमरे से सर दर्द की दवा तो लेकर आ मेरे लिए। वो छुमंतर आंटी ने मना किया था कि 8 घंटे से पहले कोई कमरे में ना जाए। छोड़ छुमंतर आंटी को, बड़ा अच्छा फूक के गई है वो। इतना अच्छा फूक के गई है कि अच्छा खासा रिश्ता उड़ कर जा गिरा है पड़ोस के घर में। आहिस्ता बोलो, कहीं उनका वो अकल सुन ना ले। छुमंतर आंटी, आंटी कहाँ थी वो? राम जिन से तो नहीं मैं डरी, उन मोकलों से खाक डरूंगी। है चल हट, करता पी चुलता बता। आप भी चली जाती हैं फाजी भाई और अम्मा के साथ। मुझे कोई शौक नहीं है अपना दिल जलाने का,
उधर वो दोनों चचियां इतराती फिर रही होंगी। हाँ रूमी, जाकर दवाई तो ला दे मुझे, कितनी दफा कहूंगी तुझसे। वैसे किस्मत की बड़ी धनी है मीनू। अब कपड़े जलाएगी जरूर। बाजी, 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 रिश्ता है तुम्हारा? हाँ? तो अभी सर की कसम, अल्लाह का पक्का वादा, जाकर देख लो ड्राइंग रूम में। खुश हो रही है? अच्छा होगा ना, मेरी पढ़ाई से बिल्कुल जान छूट जाएगी। अल्लाह तुझे ना ग्रेट हो, मैं तो बल्ले बल्ले में डांस करूंगी। और मैं ना साजन के घर जाना है मुझे। तुम्हारे बाप का वली मैं क्या? अरे मेरी प्यारी माँ, आपके होने वाले दामाद का वली मा तो होगा ना। उस वली में मैं लगाए जाने वाले डेंट फेंक दिए तुम्हारे बाप ने। है? क्यों? माँ बेटा ने ड्रॉइंग रूम में सिर्फ एक ही रट लगाई हुई है, हमारी बेटी अभी बड़ी छोटी है। अरे कहाँ छोटी हूँ मैं, एक तो माँ बाप को ना हमेशा ही बच्चे छोटे लगते हैं। सुने मुझे ना कोई एतराज नहीं है, आप उन लोगों को जाके बोलते हैं इससे पहले वो मुकर जाएं। बहुत शौक है तुम्हें शादी का? वो नहीं 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 अरे पेड़ा तर जाए। पता था मुझे, पता था मुझे। वो आप कहते कि छत से उड़ गई, मैं इसको स्टोर में फेंक के आती हूँ। बस फजूल बातें करवा लें ऐसे, चची चले अंदर। कोल्ड ड्रिंक्स का पूछने आई थी, इसने मेरा दिमाग ही घुमा दिया। अरे वो कोल्ड ड्रिंक तो दो लोगों की है फ्रिज में, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर चार ग्लास बना लेंगे। कोई जरूरत नहीं है ये साइंस लड़ाने की। हाँ मैं वली से कह के मंगवा दूंगा। मेरे लिए भी एक। नहीं रहने दें यार, बहुत बढ़िया है यार। अरे जाए ना मेरी प्यारी माँ, अपनी औलाद के लिए ना आपके सामने सीसा पलाई दीवार बन जाए। तारीख ना आपको एक अजीम माँ की हैसियत से याद रखेगी। जाए बकवास बंद करो और खबरदार ड्राइंग रूम में आके किसी चीज से टकराए। अरे यार ये गिराते रहते हैं घर में। बहन आप समझने की कोशिश करें, बच्ची अभी पढ़ रही है। ऊंट की तरह कद ही बढ़ाया है बस। और अकल भी घुटनों में ही है उसकी। चलो खैर अभी मुंह बच्चे लग जाएगी तो आप देख लीजिएगा, माशाल्लाह कितनी हसीन है और नजर भी कितनी को ठीक है। वैसे उसने तो सेमेस्टर के पेपर नजर, मतलब इसकी पोती की नजर में तो ठीक, अभी नाम ही रोशन करेगी हमारा। अरे तो इसमें टेंशन की क्या बात है, अगर बच्ची आगे पढ़ना चाहती है तो हम पढ़ाएंगे। पढ़ी ना ले कहीं वो। कफायत साहब एक दफा लड़का तो देख लें। अब लड़के को तब देखें जब शादी का इरादा हो, है ना? भाई बताएं तो सही आखिर मसला क्या है? दरअसल उसको ढंग से खाना भी पकाना नहीं आता, उसे सिर्फ बेवकूफ बनाना और चूना लगाना ही आता है। खैर जी कुक है हमारे घर, और वैसे भी 3 लाख रुपए तनख्वाह है मेरे बेटे की। किफायत किफायत, अभी अभी किफायत भूल जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है, आपकी बच्ची पहली नजर में भाग गई है। दरअसल ना वो मेरे पे चली गई है, मैं उसकी सखी दादी हूँ ना, बस हुसन में तो मेरे पे चली गई है। और जहानत भी। जहेज के नाम पे तो एक दिन का भी नहीं चाहिए हमें। किफायत को और क्या चाहिए? डन है भाई, किफायत चाचा डन है। चाचा की दुखती रख पर हाथ। ओ ये गिराते। कमाल हो गया भाई, मैं इन सबसे ज्यादा डरा हुआ। देखें भाई एक दफा आप हमारे बेटे से मिल तो ले। इतना इसरार कर रहे हैं तो देख लेते हैं। अभी दहेज की बात हुई है, 3 लाख की बात हुई है, कुक की बात हुई है। अल्लाह जी देखे शर्मा आ गई है, बच्ची है ना मासूम। अरे यार मासूम नहीं मासूम। अंकल जी को नहीं दिया यार। मेरी शादी हो रही है। पेपर्स कौन देगा? शादी हो रही है। शादी से डर नहीं लगता साहब, पेपरों से लगता है। अब तो मुझे साजन के घर जाना है। साजन के घर क्या है यार? ना ठीक है, अल्लाह तेरा भला करे। यार चोरी का कब पता चलेगा? यह तो नई मजेदार सिचुएशंस खुल रही है। लो जी लग गई लॉटरी इस डंगर मीनू की भी। अल्लाह मियां तेरे को नाखून दे ही देता है। क्या था अगर हमारी मीशी को पसंद कर लेते? और वो बेवकूफ तो धमाल डालती फिर रही है पूरे घर में। अरे बताओ तो सही बना क्या? बनना क्या था, लड़के के बाप ने पैकेज ही ऐसा बना के दिया था
चाचा जान तोड़कर बैत करने वाले थे उसके हाथ पर। ना करते करते एकदम पैंतरा बदल के हाँ कर दी, वो भी डग की चोट पर। शरीकों की किस्मत चेक करो, एक टोरंटो जा रहा है और दूसरा हमारे भाई के बट्टे में शानदार घर में दाखिल हो जाएगी। गुल अब तू कोई नया गुल मत खिला देना, बस फाइनल कर दे फाजी का रिश्ता यहीं पर। ओ हेलो, मुझे पहले लड़की से मिलने तो दे। तुम चुप करो, वो कौन सा मीनू के लड़के से मिले हैं अभी तक, इसी चक्कर में तुम्हारी शादी पहले से ही बहुत डिले हो चुकी है। अच्छा लड़की से मिले यार, क्या पागल है। के चक्कर में ना कोई और गुल मत खिला देना, वो भी सीनियरिटी के बेसिस पर। क्या हुआ? चोरी 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 चोरी, सारे सारे गम इनके घर में ही आ गए हैं, सारे दुख। बोलने पर कोई टैक्स तो नहीं लगता? वो सब लेके भाग गई। क्या? सारी ज्वेलरी और मेरी नन का ब्रेसलेट भी। अरे कौन ले गई? बाजी को पता ही नहीं है। चूमन तभी तो उसको नाम तो चूमन तेरे यार। भाई मीनू की तालीम नामुकम्मल है वरना रिश्ता अच्छा लग रहा है। आपके साहबजादी की ग्रेजुएशन अगले 5 साल ही होने वाली, सही बात है, उसकी टाइम से शादी कर लें। उसे आप कोई घरदारी वगैरह भी सिखाओ, अगर सोच ही लिया है शादी का तो। आपके कान भी सिर्फ ना जहेज ना लेने पे खड़े। ये खाली होगी, ये खाली, इसी में से तो चोरी करते हैं वो रोज, इसी में तो रोज चोरी करते हैं वो। वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं, मैं मीनू को देखती हूँ, दूध उबालने को कहा था। अच्छा भाई बात सुनो, वो रिश्ते का इस्तखारा निकलवा लो, मेरा दिल कुछ डामाडोल हो रहा है। हाँ मैं बेबी से कहती हूँ। ये रैपर किसने फेंका डस्टबिन से भाई? मैं तो खाने से रहा चिप्स उम्र में, हैं? मिर्ची नहीं फेंका होगा। अगर मैं ना हूं ना इस घर में तो कीड़े दौड़े। ये वादियां ये पर्वतों की शहजादियां कितनी खुश है यार। कब बनेगी तू दुल्हन मीनू, कब आएंगे तेरे साजन? चल मीनू दुल्हन बनने की ना प्रैक्टिस कर लेते हैं। अरे यार ये पिटेगी यार, ये पिटेगी अपनी माँ के हाथों से। आप आ गए सरदार। वो भी दादी, दादी के सामने नहीं, दादी के सामने नहीं। पहले मेरी मुंह दिखाई निकाली। सरदार जी निकाली ना अपनी दुल्हनिया के लिए मुंह दिखाई। दादी दादी के सामने पता नहीं क्या डायलॉग तैयार हो गया होगा। ये क्या यमलियां मार रही है तू, है शर्म नहीं आती तुझे? फिर तुझे देखती हूँ मैं मुंह दिखाई। मुंह जुताई चलेगी, मुंह जुताई। अच्छी बातें ना किया करे, उसको नहीं पता अपने इलाज का, किस टाइप की लड़की है उसकी। बेबी बच्ची है ये। अरे यार मिर्ची की बच्ची को ना कोई कुछ नहीं कहता है, हर कोई मेरे पीछे पड़ा रहता है। देखो कैसे मुझे मेने मार रही है, देखो जरा इसको। आपको पता है वो जो रिश्ते वाले लोग आए हुए थे ना, उनकी चुपके चुपके तस्वीरें खींच के सारी फेसबुक डाल दी इसने। छोटे मुटे का ये ले डिलीट मार मार। अपनी इस मैनेजर से कराए जिसको सर पे चढ़ा रखा है आपने। ओके गाइज यहाँ पे मैं इस चीज को रोक रहा हूँ, ठीक है। मैं एक दो मिनट आगे ही निकल आया। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, कुछ नए पंगे, कुछ नए स्टोरी में ट्विस्ट भी आ गए और जो पिछला चोरी का था वो भी खुल गया है। मतलब इनके घर में मुझे लगता है काफ़ी सारी खुशियाँ इस वक्त इस सिचुएशन में आ गई हैं और उनके पास तो अभी दुख तो पहले मीनू के रिश्ते का ही था, अब चोरी भी हो गई। बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि रिएक्शन वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय।